पर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर गर्मी की मार थम नहीं रही। ज्यादातर शहरों में बीते कई दिनों से तापमान 42 डिग्री से 45 डिग्री के बीच बना हुआ है, जिसकी वजह से लोगों के लिए सड़कों पर निकलना भी मुश्किल है। पंजाब का अमृतसर दिन चढ़ते ही भट्टी में बदल जाता है, चेहरा ढके बिना घर से बाहर निकलना मुश्किल है। ठंडा पानी पीकर लोग गर्मी का मुकाबला कर रहे हैं, इसीलिए कुछ संस्थाएं सड़कों पर लोगों के लिए ठंडे पानी का इंतजाम कर रही हैं। यही हाल दिल्ली समेत पूरे NCR का भी है। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक दिन चढ़ते ही कम दिखने लगता है। गर्मी से लोगों का बुरा हाल, गर्म हवाओं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। जबकि देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां तूफान और बारिश ने तबाही मचाई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार के ऐसे कई जिले हैं जहां बादल जमकर बरसे और इतना बरसे कि मुसीबत की वजह बन गए। उड़ीसा के कालाहांडी में तूफान और बारिश के बाद शहर थम सा गया। जगह जगह सड़कों पर भारी पेड़ टूट कर गिर गए। ऐसे ही रास्तों पर एम्बुलेंस तक फंस गई। घंटों की मशक्कत के बाद बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए रास्तों को साफ किया गया। बारिश और तूफान ने कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भी किया। लोगों के घर तक टूट गए। पेड़ तो टूटे ही टूटे, सड़कों पर लगे बिजली के खंभे तक टूट गए। कुछ जगहों पर तो बिजली के ट्रांसफार्मर तक जमीन पर गिर गए। तूफान ने पूरे जिले में भारी तबाही मचाई। बिजली के खंभे टूटने की वजह से ठप हुई बिजली की सप्लाई को अब तक शुरू नहीं किया जा सका है। हैरानी की बात तो यह है कि जिन राज्यों में तूफान ने तबाही मचाई, उन राज्यों में भी कई जिले ऐसे हैं जो भीषण गर्मी की चपेट में हैं। और मौसम विभाग उन्हें ये कहकर डरा रहा है कि कुछ दिन और आसमान में बादल नहीं दिखेंगे। बारिश न होने की वजह से पानी का संकट खड़ा हो गया है। दूसरी तरफ राजस्थान के तो कई जिले ऐसे हैं जहां गर्मी ने हाहाकार मचा रखा है। पानी की कमी ऐसी कि लोग पानी की ही चोरी करने लगे। पानी की चोरी से डरकर भीलवाड़ा में लोगों ने घर के बाहर रखे पानी के ड्रम पर ताले लगाने शुरू कर दिए। कुछ ऐसा ही हाल राजस्थान के कोटा में है, जहां लोगों को पीने के पानी के लिए भी जंग लड़नी पड़ रही है। जोधपुर में भी हालात सूखे जैसे हो चुके हैं। कुएं तकरीबन सूख चुके हैं। तालाबों में छोटे छोटे गड्ढों में बचा पानी लेने के लिए लोग कई किलोमीटर तक धूप में पैदल चलने को मजबूर हैं। जहां लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, उन इलाकों में मध्य प्रदेश का दमोह भी है। भीषण गर्मी की वजह से दमोह में सूखे जैसी हालत हो गई। और हालात ऐसे हो गए कि जिन कुओं में उन्हें पानी मिला, वहां जान दांव पर लगाकर वो नीचे उतरते नजर आए। इलाके में सरकारी टैंकर जब पानी लेकर पहुंचा तो वहां भी लोगों की कतार लग गई। कई लोग तो डिब्बों के साथ टैंकर के पीछे दौड़ने लगे। हालांकि पानी कम होने की वजह से कई लोगों को मायूसी हाथ लगी। कुछ लोगों ने टैंकर पर चढ़कर पानी लेने की कोशिश भी की, लेकिन उनमें भी कई खाली हाथ रहे। बीते कुछ दिनों में दमोह में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। इस गर्मी से परेशान लोगों का कुछ ही लीटर पानी में गुजारा करना मुश्किल हो गया और लोगों ने एक बाल्टी पानी में दिन गुजारने की समस्या जाहिर की। पानी की व्यवस्था तो नदी में थोड़ा सा पानी है, उसी से गांव वाले सब गाड़ी चढ़ के ले आते हैं पानी, इससे करीब 2.5 किलोमीटर दूर। भीषण गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ी तो नगर पालिका के अधिकारियों के भी पसीने छूट गए। अभी फिलहाल में पानी की समस्या है, उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। पानी की समस्या दूर होने तक केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने मोदी सरकार पर भरोसा रखने की अपील की। मोदी के संकल्प पर विश्वास कीजिए, 2022 के पहले हर घर तक पाइप के द्वारा पानी पहुँचेगा। साथ ही पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों तक जल्द पानी पहुँचाने